हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसीआई टी20 रोमानिया का आज का जो थर्ड मैच और मैच नंबर 8 होगा जो खेले जाने वाला है रोमानिया वर्सेस पुर्तगाल के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज दोपहर 3:45 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वेन्यू देखें, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें, 8 पिक्सल विकेट है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 100-130 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो टोटल यहाँ पर अब तक 6 मैच कंप्लीट हुए ना, उसमें 4 मैच जीते बैटिंग अपने, 2 मैच में चेज हुए हैं। यानी यहाँ पर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी उसे हमेशा ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बात कर ले सबसे पहले रोम की टीम की, तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट्स फाइनल टीम और प्रेंगलेट मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर क्लिक करो आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन होना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ना कल से नई लीग शुरू होगी, उसके टोटल मैच में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ और आपको टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अगर अच्छी विनिंग करनी है तो आपको जरूर से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर ले रोमानिया की टीम की, लास्ट 4 मैच के लिए ना टीम 3 मैच विन के, एक ही मैच ये हारी है। लास्ट मैच विनिंग की थी इरफान हुसैन ने और मोहम्मद मोइज ने। इरफान हुसैन की बात करें, लास्ट मैच में ही मौका मिला 15 रन की अच्छी पारी के लिए, 7 में 1 विकेट निकाला है। टी10 के 16 मैच में 447 रन, 10 विकेट हैं। महमूद मोइज 13-78 नोट आउट, 0 विकेट, 48 और 0 रन, तीनों मैचों में सुपर पॉइंट आपको दिए हैं। लास्ट मैच में रिकॉर्ड डाउन था। 2024 में टी10 के 21 मैच में ना 526 रन, 12 विकेट। एरियन मोहम्मद 9-13-0-6, 2024 में टी10 के 22 मैच में 392 रन, 28 का एवरेज है। तरनजीत सिंह 7-0-34 रन है, 1 मैच में 30 रन की बेहतरीन पारी के लिए। 2024 में टी10 के 16 मैच में 614 रन, 5 विकेट। बिलाल अहमद 19-16-51-6 रन है, 2024 में टी10 के 12 मैच में 136 रन, 19 का एवरेज है। रमेश सतीशन 44 नोट आउट 0 रन, 2 नोट आउट 2 विकेट और 60 नोट आउट 1 विकेट है। लास्ट के मैच में तो कमाल क्या बंदे ने यहाँ पर 60 नोट आउट की अच्छी पारी के लिए 7 में 1 विकेट भी इन्होंने निकाला है। पहले भी काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको दिए हैं हर मैच में, तो बेस्ट ऑप्शन है अपने सीवीसी लाइक ऑप्शन होने वाले हैं। चामल का प्रेंडो की बात करें, यहाँ पर 0 विकेट 16 रन, 1 नोट आउट 5 विकेट और 48 2 विकेट है। 1 मैच में तो कमाल क्या बंदे ने 2 ओवर डाल के ना 5 विकेट निकाले थे और लास्ट मैच में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिए थे। तो यहाँ पर आप अपने सीवीसी से कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। हैदर अली 23-1 विकेट 23-4 विकेट, 6-0 विकेट और 2 विकेट है। यहाँ पर सिर्फ ये थर्ड मैच में इनका रिकॉर्ड फ्लॉप रहा, बाकी टोटल पूरे तीनों मैचों में ना अच्छे पॉइंट आपको दिए हैं। मनमीत कोहली 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। 2024 में टी10 के 18 मैच में 11 विकेट है। पावेल फ्लोरिन 9 बैटिंग 9 बैटिंग है, 2024 में टी10 के 12 मैच में 1 विकेट है। यहाँ से अगर जनेता परेंडो की बात कर लें, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है। एक सेकंड मैच हुआ था ना उसमें 2 डाल के 1 विकेट इन्होंने निकाला था। बात कर ले बेंच की, बेंच में जो भी खेलता है जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डालने यहाँ से जाएंगे हैदर अली, आई हुसैन। डेथ के ओवर डालने जाएंगे असी प्रेंडो, एम कोहली, आर सतीशन। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके एलिमिनेट लेने वाले हैं। बात कर रहे थे उसी टीम पी ओ आर की, 4 मैच के लिए ना टीम 3 मैच पहले हारी है, बट अभी लास्ट का मैच हुआ था ना विन करके आ रही है टीम। लास्ट मैच विनिंग थी अमीर दार ने और यहाँ से सरन गोमेज ने। अमीर दार की बात करें 21-22-0 और 34 रन, सिर्फ एक ही मैच में रिकॉर्ड डाउन था, बाकी तीनों मैचों में बेस्ट पॉइंट आपको दिए हैं। 2024 में टी10 के 22 मैच में 559 रन, 16 विकेट हैं। सरन गोमेज 12-1-39-69 नोट आउट और 40 रन, एक मैच में रिकॉर्ड डाउन था, बाकी तीनों मैचों में बेस्ट पॉइंट आपको दिए हैं। 2024 में टी10 के 5 मैच में 50 रन हैं। नजम शहजाद 0 विकेट 21 नोट आउट, 2024 में 26 मैच में 12 विकेट। यहाँ से ज़्यादा जेरमी मॉन्टिस की बात कर लें, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 45 नोट आउट 0 विकेट है। बॉलिंग से एक ही मैच में विकेट निकाला, पर लास्ट मैच में 45 रन की बेहतरीन पारी आपके लिए खेली है। अमनदीप सिंह यहाँ पर एक ही पहला मैच हुआ था ना उसमें इन्होंने बैटिंग अच्छी की, 7 में 1 विकेट निकाला, उसके बाद में तीनों मैचों में ना बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। राणा सरवर 40 नोट आउट 19-1 विकेट 9 बैटिंग है, पहला और दूसरा दोनों मैचों में सुपर पॉइंट आपको दिए हैं। सुमन गिमेर 0-32-4 9 बैटिंग, सेकेंड मैच में 32 रन की अच्छी पारी के लिए। 2024 में टी10 के 9 मैच में 6 विकेट हैं। अदनान गोंदल 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है, 2024 में 16 मैच में 18 विकेट हैं। परवीन सिंह 31-1 विकेट 7 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है, पहला और लास्ट दोनों मैच हुआ था ना
कन्फर्म अच्छे विकेट दिए थे। सैयद मेसम 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 3 विकेट हैं। यहाँ पर सेकंड और लास्ट दोनों मैचों में अब तक ये 4 विकेट निकाल चुके हैं। सैयदुर रहमान की बात कर लें, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट हैं। सिर्फ सेकंड मैच में ही इन्होंने विकेट नहीं निकाले, बाकी टोटल तीनों मैचों में ना कन्फर्म अब तक ये 7 विकेट निकाल चुके हैं। यानी बॉलिंग सुपर करता है बंदा। बात कर लें बेंच की, बेंच में से 2 ही प्लेयर हैं, कोई भी खेलता है जानकारी मिल जाएगी। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डाले हैं यहाँ से जाएंगे एस रहमान, जे मॉर्टिन्स। डेथ के ओवर डाले हैं यहाँ से जाएंगे पी सिंह, जे मॉर्टिन्स, एस मैसम। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिमिटेड देने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट। चलते हैं अपने डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम न चलते अपने डेमो टीम की तरफ। तो यहाँ पर डेमो टीम अपने विकेट विशेषण से करने वाला हूँ एम महमूद को, बैटिंग सेशन से आर सतीशन, एस गोमेज, जय मॉर्टिन्स। यहाँ से ऑलराउंड सेशन से सी प्रेंडो, एम मोइज, एन शहजाद, एच अली, ए दार को। बॉलिंग सेशन से एस मोजीम, यहाँ से एस रहमान को कैप्टन करूँगा, एम मोइज वाइस कैप्टन करूँगा, सी प्रेंडो को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मिले हो ना तो वीडियो को आपको लाइक और प्यारा सा कमेंट से सपोर्ट आप हमारे चैनल नाइट रिकिंग फ्रेंड। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।